गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वर्धमान प्लाजा है, ये नेहरू विहार है, यहाँ दृष्टि की कोचिंग और ऐसे चलती है। इधर देख रहे हैं जो बाउंड्री दिख रही है वो जाने के लिए है लाइब्रेरी है, जो है ये मेंटरशिप प्रोग्राम है तो वो लाइब्रेरी है वहाँ की। ये नेहरू विहार है, आगे बढ़ते हैं हम आपको दिखाते हैं जिधर से एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं उधर हम चल के आपको दिखाते हैं चीज़ों को। इधर आप देख सकते हैं ये नाला है, नेहरू विहार का नाला, पवित्र नाला भी कहते हैं इसको, तो इस पर पुल बने हुए हैं। इधर ये वैन के लिए, गाड़ी के लिए बने हुए हैं और इधर ये पैदल वालों के लिए पुल बने हुए हैं। तो एस्पायरेंट्स इधर से आ रहे हैं, हम भी आपको चल के दिखाते हैं इधर से कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोचिंग और ये सब रहता है, बहुत ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं यहाँ, कोचिंग चलती है, क्लास है, दिखाते हैं हम आपको आगे चलते हुए। ये देखिए नाले से लोग आ रहे हैं इधर से और इधर से जाते हुए आप देख सकते हैं, नाला है इधर से कोचिंग, ये रास्ता ऐसे नीचे उतर रहा है यहाँ पर, ये रास्ता में नीचे उतरते हुए आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर नेहरू विहार, फिर इधर से कोचिंग जाने का रास्ता है, थोड़ा और उतर देते हैं, नीचे से उतरने का रास्ता है, उधर से आते हैं फिर इधर ले जाते हैं कोचिंग, आगे दिखाते हैं आपको हम। गाइस ये कोचिंग स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इधर से जाते हुए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं। और इधर बगल से ही एक रोड है, ये नाला है, नाला समुद्र जैसा काम कर रही है, नाले के दोनों तरफ रोड है और यहाँ स्टूडेंट्स विचरण करते हैं, घूमते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और ये काफ़ी लंबी रोड है, इसके दूसरी तरफ नेहरू विहार है और इस तरफ नाला है, और इधर लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ये 2022 में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2022 में चीज़ें बदल चुकी हैं और ये सब पूरा बीच जैसा, जैसे आप गोवा में जाते होंगे तो बीच जैसी पोजीशन यहाँ पर है, लोग घूम रहे हैं। अभी जैसे जैसे शाम का टाइम आएगा एस्पायरेंट्स लोग यहाँ इकट्ठा होते चले जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। बाकी आप कभी मुखर्जी नगर आइए या फिर IAS की तैयारी करने के लिए हिंदी मीडियम के लिए आइए तो यहाँ दृष्टि कोचिंग आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर दृष्टि कोचिंग के साथ साथ घूमने टहलने और ये सब देखिए कैसे जाम की स्थिति रहती है। इधर नीचे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इस रास्ते पर हम ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे, ये रास्ता आगे चला जाता है गोपालपुर के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।